मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी ने हिंदुस्तान से आतंकवाद का लगभग सफाया कर दिया है। इस वजह से असदुद्दीन बगदादी जो कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं और कांग्रेस पार्टी जो हिंदुस्तान में आतंकवाद को जन्म देने वाली पार्टी है और उनसे जुड़े कट्टरपंथी मुल्ला सब बौखला गए हैं। कभी घबराहट में सदन में बिल फाड़ते हैं तो कभी कोर्ट में राम जन्म स्थान का नक्शा फाड़ते हैं। सिटीजन अमेंडमेंट बिल पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े कुछ धर्म विशेष के लोगों के पक्ष में जरूर है लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। शरारती तब जो हिंदुस्तान में इस तरह के अमेंडमेंट बिल के खिलाफ किराए के लोगों को जमा करके जगह जगह विरोध प्रदर्शन करके हिंदुस्तान की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो राष्ट्रहित में नहीं है। अगर कुछ मुस्लिम मुल्कों में हिंदुओं के साथ में धर्म के आधार पर जुल्म और ज़ाती हो रही है तो हिंदुस्तान का ये फर्ज है कि वो उनकी मदद करे। हिंदुस्तान मदद नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान हिंदुओं की मदद करेगा? ये बिल हिंदुस्तान की इंसानियत को दर्शाता है। देशवासियों को इस पर फख्र करना चाहिए और मेरे द्वारा इस बिल में पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शियों को भी शामिल करने के संबंध में जो पत्र 2 दिन पहले दिल्ली भेजा गया है हमें पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा से भी ये बिल पूर्ण बहुमत से पारित होगा और बाद में शियों को भी इसमें शामिल करने पर विचार किया जाएगा क्योंकि मुस्लिम मुल्कों में शिया समाज के साथ भी धर्म के आधार पर बेहद ज़ाती और खून खराबा किया जा रहा है। मुसलमान शियों को मुसलमान मानते नहीं हिंदुओं की तरह काफिर ही मानते हैं। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी शिया मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।